नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पूरा जो पेटेंट ऑफिसर की सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस मैं वीडियो लेके आ रहा हूं और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से चल रही है। तो उसी में एक और मैं वीडियो लेके आया हूं कि अभी जो लगभग एक महीना बचा हुआ है, दो तीन दिन छोड़ दीजिए दोस्तों, ऐसे ही चले जाते हैं टेंशन में कभी कभी, राइट। तो इन एक महीने की पूरी हमारी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसको आज समझने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए कि अभी 4 तारीख लास्ट है, 4 अगस्त को आपको अप्लाई करना ही है। तब तक नहीं किया हो तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्लास वन की जॉब है, रेयरली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, 5-5 साल में एक एक बार आती है, राइट। तो अप्लाई तो करना ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी सभी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज दे रखी है। तो चलिए, क्या हमारा मेन एजेंडा है आज के वीडियो का? पहला एजेंडा है कि तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें और कौन से किताबें आपको यूज करनी चाहिए, यह मेरा आज का मेन एजेंडा है। ओके, सबसे पहले एक समझ लीजिए कि 30 डेज की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए आपकी। 30 डेज, इस 30 दिन में आपको करना है क्लियर, और क्या फोकस जनरली आपका होना जरूरी है, राइट। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो साइंस है आपका, क्लियर, यही सबसे टारगेट वाला सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट, सबसे स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट कोई होगा तो साइंस, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया, लुसेंट वगैरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सभी एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस यहां मिलेंगे। इसीलिए आपको ये जो इग्नाइट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सीरीज ऑफ एमसीक्यू के वीडियोज में लेके आने वाला हूं, लाइव सेशन होंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, करंट अफेयर के लाइव सेशन होंगे, साइंस के होंगे, पेटेंट के होंगे, सबके बहुत सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाली लिए है, एज इट इज एग्जाम में मिलेगी आपको, वो मेरी बिल्कुल गारंटी है, कोई टेंशन ही नहीं लेना, राइट। तो साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसको हम लाइफ साइंस बोल देते हैं, क्लियर। इनपे आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, बहुत ही सिंपल, जैसे अमलगम कौन फॉर्म करता है, मर्क्यूरी, राइट। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको साइंस में पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, आपका पहला जब पेपर हाथ में आएगा साइंस से शुरुआत करोगे, क्लियर। एप्टी रीजनिंग को तो हाथ ही नहीं लगाना है पहले, वो तो लास्ट में चलेगी, राइट। पहले साइंस उठाओ, और पूरा टारगेट होना चाहिए सर, आप 28 से तो नीचे आ ही ना, 28 मिनिमम मार्क निकलने, एक आधा दो क्वेश्चन बाहर गया, बाकी सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए साइंस सबसे पहले, क्लियर। लुसेंट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस काफी है, क्लियर। उसके बाद में जीएस, जनरल स्टडीज, और एक याद रखना जीएस एंड करंट अफेयर है, लास्ट के 2 पेपर उठाओगे तो पूरा जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा गया, पूरा जीएस आपको करंट से रिलेटेड ही मिलेगा, क्लियर। मतलब जीएस कहां से होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टैटिक जीके आता है और वो स्टैटिक भी उसी से रिलेटेड होगा जो आपका करंट अफेयर है। मतलब आपको कभी पूछ लेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उसका हेडक्वार्टर कहां होगा, क्लियर। जैसे यूनिस्को का हेडक्वार्टर कहां है, अभी कोई चीज चल रही है, जैसे कि आप आसियान डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते, और हेडक्वार्टर उसी का क्यों पूछा, क्योंकि नया प्रेसिडेंट उसका बना हुआ है वो न्यूज में, नहीं तो वो बैंक न्यूज में, इसीलिए उसके बारे में पूछा, क्लियर। तो आपको जीएस भी पूछा जाएगा, तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड पूछा जाएगा, बहुत रियल है वो, हिस्ट्री पॉलिटी तो सिलेबस में कहीं लिखा ही नहीं है, लास्ट टाइम उसके ऊपर ना कोई क्वेश्चन आया था, क्लियर। मैं जो आपको दो, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इस बार ऐसा एक आधा क्वेश्चन इधर उधर जाएगा नहीं, क्लियर, मगर एग्जाम के लिए फोकसिव प्रिपरेशन करना होता है, एक महीना बचा हुआ उसमें क्या हो सकता है, उस तरह से मैं समझा रहा हूं आपको, क्लियर। तो ये जीएस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ही करना है। फिर उसके बाद में 30 क्वेश्चन, इसके 30 मार्क्स के लिए, इसमें हमें लगभग 25 के आसपास मार्क आने की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए, और टाइम से होगा भाई, 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करने, तो टाइम बचाते बचाते रहना पड़ेगा, 10-12 मिनट में हमारा पूरा साइंस होना चाहिए, 10-12 मिनट में हमारा पूरा करंट अफेयर होना चाहिए। मतलब यही समझ के चलो कि आपका ये पूरा जो सेक्शन है 60 मार्क का, 60 क्वेश्चन का,
राइट 60 मार्क का 60 क्वेश्चन, तो ये 30 मिनट्स में होने चाहिए। कितने मिनट में? 30 मिनट्स में। बच्चे 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए, कितने? 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स है आपके पास। अभी भी टाइम कितना है? 90 मिनट्स है। इधर आपने आधे घंटे में मैनेज कर लिया, पर करना ही है, पेपर पूरा अच्छे से स्कोर करना है, तो आधे घंटे में तो बिल्कुल मैनेज होना ही चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद में इधर आते हैं, अब आईपीआर पे फोकस करेंगे। आईपीआर, इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके भी सेशन में इग्नाइट एजुकेशन का हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये उसको सब्सक्राइब करके रखो, यहां लेके आने वाला हूं। राइट, ये आईपीआर 15 क्वेश्चंस 15 मार्क के लिए, 15 क्वेश्चन कितने मार्क के लिए? 15 मार्क के लिए। अब ये भी 4-5 मिनट में ही सॉल्व होने चाहिए। थ्योरेटिकल वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, यहां टाइम सेव कर लोगे तो ही होगा। क्लियर है? मतलब ये 15 आप उसमें ऐड कर लो तो आपके लगभग 75 क्वेश्चंस, राइट। अब हार्डली आप यहां 40 मिनट पकड़ लेना, सब मिला के 40 मिनट पकड़ लेना। क्लियर? 75 क्वेश्चन 40 मिनट्स में, वो पॉसिबल है। वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ ये नहीं है। राइट, अब चलते हैं, उसके बाद आनी है इंग्लिश। अब ये आईपीआर कहां से करोगे? एक याद रखना, आईपीआर का सब कुछ मैं दे दूंगा। ओके, मैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आईपीआर में आपको दे दूं, उसके एमसीक्यू हमारे इसमें होंगे। राइट, हमारा वो यूट्यूब पे फ्री दिलवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आईपीआर फ्री होगा, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो। करंट अफेयर के सेशन भी यूट्यूब पे आने वाले हैं। राइट, फिजिक्स के भी एमसीक्यू लेके आऊंगा, केमिस्ट्री के भी लेके आऊंगा, बायो के सर को भी बोल दूंगा, इंग्लिश की मैम और रीजनिंग एफटी के सर को भी बोलूंगा, एक दो सेशन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैराथन सेशन यूट्यूब पे भी ले ले। राइट, तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए होंगे, तो आपको इंग्लिश लगभग 10 मिनट में सॉल्व कर लेना है। 15 मार्क की इंग्लिश 10 मिनट में सॉल्व करनी है, पॉसिबल है, पैराग्राफ में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बाकी तो फटाफट निपट जाएंगे। क्लियर, तो इंग्लिश भी आपको 10 मिनट के अंदर खत्म कर देनी है। आपके पास बचे कितने थे? 40, और यहाँ के 10 मिनट उसमें आड़ गए 50 मिनट, आपका 90 मार्क्स का पेपर खत्म। 50 मिनट के अंदर 90 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ, 50 मिनट में 90 मार्क्स का पेपर कंप्लीट। अब बचे हुए 70 मिनट्स, और कितने क्वेश्चन है आपके पास? 60 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन। क्लियर, अब इसके बाद रीजनिंग का नंबर लगेगा। राइट, मतलब इसके बाद नंबर किसका लगना है? रीजनिंग का, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। कहीं एक आधा मिनट कम लगेगा तो कहीं एक आधा मिनट ज्यादा लगेगा, यहां भी आपके अच्छा खासा रीजनिंग में स्कोर होना है। रीजनिंग सिंपल आती है, प्रॉब्लम क्या है? बस टाइम की प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। टाइम मैनेज हो गया तो रीजनिंग भी मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, फिर उसके बाद एफटी। क्लियर, एफटी के 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में, बचा हुआ टाइम अब एफटी को जाएगा, लगभग 40 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। राइट, एक मिनट के अंदर एक क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, मगर उसके लिए प्रोवाइडेड है कि ये टाइम सला खटाखट निपटना चाहिए। इसीलिए आप साइंस लुसेंट से भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां से हो जाएगा। करंट अफेयर के सेशन अपने यूट्यूब चैनल पे होने वाले हैं, या कहीं से भी कर लो, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर को छोड़ना ही नहीं है। तो करंट अफेयर, फिर उसके बाद में आईपीआर, विपो में लेके आऊंगा, इंग्लिश भी, इंग्लिश अपने यहाँ मैराथन सेशन हो गया, अपनी प्री की बैच है। राइट, उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, टाइम नहीं गया है, एक महीने के अंदर अच्छे से फोकस करोगे तो पूरा हो पाएगा, पूरा हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक महीने में तो आप निकालेंगे यार, चार चार दिन में हम यूनिवर्सिटी का पेपर, चार दिन में चारों पेपर निकाल लेते हैं, तो एक महीने में क्या, एक महीने तो आराम से कर सकते हैं। राइट, पूरा सिलेबस है, 1500 फीस है। क्लियर, अब चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव बैच है अपनी, डिस्क्रिप्टिव बैच। राइट, इग्नाइट एकेडमी की डिस्क्रिप्टिव बैच है मैकेनिकल के लिए, ऑलरेडी बैच शुरू हो चुके हैं, उसमें आरएसी कंप्लीट हुआ है, टॉम भी लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। हमारा पूरा आपको वादा है कि हम पूरा 100% सिलेबस कवर कर लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर टाइम नहीं है प्री और मेंस के बीच में, इसीलिए तो बैच को अभी शुरू किया था। राइट, 10-12 दिन आपको पहले ही प्री के छुट्टी भी दे देंगे, और लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट आपके प्री के पहले हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट आराम से प्री के बाद फिर कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सब्जेक्ट लगभग आधा हो चुका है, तो आप समझ ही सकते हो कि आराम से आपका
सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, तीनों एग्जाम के क्वेश्चन वहां लिए जा रहे हैं। ओके, पूरा उनका जितने वैरायटीज है उन सभी वैरायटीज को कवर किया जा रहा है। अच्छी खासी प्रैक्टिस को भी क्वेश्चन हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करना भी मत भूलिए। प्री के लिए और मेंस के लिए हमने सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्लिक करिए। आपको इंटरेस्ट हो तो बैच ज्वाइन करिए, उसके लिए भी हमारे ऐप की लिंक गिवन है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है प्री और मेंस के लिए, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको बैचेस के बारे में, लाइव सेशंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो रुकता हूं दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।